गाइस वेलकम बैक टू द माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हो आप लोग? बिना देरी के जल्दी से आगे बढ़ते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस जस्ट अभी वीडियो अपलोड करी है, वही मतलब एडिटिंग करा के, ताकि भाई जो वीडियो कल आई थी ना तो वो आ जाती, तो इसलिए मैंने कल ही डाल दी अपलोड करके, क्योंकि 10 मिनट की तो हो गई थी, फिर भाई मेरा ही नुकसान होता इसमें, क्या अगर आज डालता तो है ना, और वीडियो ही बड़ी हो जाती, इसलिए वो मैंने अपलोड कर दिया एडिटिंग वगैरह करके। अब मैं नया व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ, जो भी होगा आज का मैं दिखाऊंगा आप सभी को, क्या होगा क्या नहीं। चलो तो व्लॉग कंटिन्यू करते हैं। तो गाइस अभी मैं जा रहा हूँ कपड़ा देखने के लिए अपने भाई के पास पश्चिमपुरी, और बांध रखे बाल मैंने, ताकि गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा यार, गर्मी लग रही थी बहुत। तो अभी चलते हैं भाई, जल्दी से फटाफट से होके आते हैं, धूप लग रही है भाई, गर्मी लग रही है बहुत ज़्यादा। देख लो भाई हमारे यहाँ बस ही नहीं आती है, इतनी देर आधा एक घंटा हो गया मुझे बैठे बैठे, बस ही नहीं आ रही। चलो भाई मिल गई फाइनली एक घंटे बाद बस मिली, एक डेढ़ घंटे बाद। और भाई अब उतर गया हूँ तो 500 मीटर तो ऐसे चल के पैदल जाऊँगा, फिर रिक्शा लूँगा वहाँ से। चलो चलते हैं। तो चलो भाई जा तो गया था, और अब हम जा रहे हैं, मैं हूँ और चैतन्य है, मतलब प्रिंस नाम है इसका, चैतन्य तो मैं बोलता हूँ, चैतन्य ही निकलता है, प्रिंस तो निकलता ही नहीं है। चलो भाई चलते हैं फटाफट से। तू तो बोल रहा था भाई पास में, दूर है तो बस से जाना पड़ रहा है ना, तो दूर है। चलो भाई कोई बात नहीं। तो चलो भाई हम पोस्ट तो गए हैं, बाकी अभी देखते हैं भाई क्या कलेक्शन मिलता है, मैं क्या नहीं, बाकी चल के देखेंगे तो पता चलेगा। इससे महंगा हुआ ना, ऊपर का हुआ, ऊपर की रेंज में हुआ तो भाई घर पक लूँगा मैं तो सीधा। मार्केट तो छः छोटी सी नहीं पतली गली सी जा रही है बस, ऐसा ही है रानी बाग जैसा ही सीन है यहाँ पे भी। अच्छा यार रानी बाग जैसा ही है भाई, ऐसा ही लग रहा, ऐसा ही लग रहा है कि रानी बाग में ही हो। तो भाई पहला कुर्ता हम ये देख रहे हैं यहाँ पे कितने का, 2500। तो भाई यहाँ से जा रहे हैं लेकिन महंगा था, यहाँ से जा रहे हैं भाई, ठीक है। तो एक बार और दूसरी जगह जा रहे हैं भाई देखने के लिए, देखते हैं। मैंने इसको मना किया था कि ज़्यादा महंगा हो तो मत बताइए, क्वालिटी वही होगी, बस थोड़ा सा पैसे बढ़ा चढ़ा के बोलेंगे, वहाँ से अच्छा मिल जाएगा। जैसे तो भाई यहाँ पे ये भी आ गया, युग हमारा पीछा कर रहे थे भाई, चाचा भी आ गए, युग भी आ गया पीछा कर रहे थे हमारा, हम दोनों अकेले आए ना इसलिए। चलो सही है, चाचा आगे तो बड़े हैं, दिखाएंगे, ठीक है। ये पता नहीं मुझे कहाँ कहाँ घुमाया जा रहा है भाई, सर घूम रहा है मेरा, मैं नहीं घूम रहा, सर घूम रहा है भाई। 4000-5000 इतने, इससे नीचे नहीं मिल रहे भाई, 2000 के नीचे ही नहीं है। तुम जगह भी तो ऐसी लाए हो, इतने ही मिले हमारे वहाँ तो सही, अच्छे अच्छे क्वालिटी वाले भी सही मिल जाएंगे भाई, मतलब 1500-2000 में आसपास काम हो जाएगा हमारा अच्छा खासा। समझते नहीं हो यार तुम दोनों, यार समझता नहीं है यार तू, कह रहा हूँ हाँ अजीब सी आ रही है ना इनकी, कह रहा हूँ जब हमारे वहाँ आओ आओ आओ, हम भी आ जाएंगे भाई आ जाएंगे। तो अभी तो गाइस बैठे हुए हम, बाकी डिसाइड कर लिया, अब घर चलते भाई, क्योंकि यहाँ पे मुझे लग रहा हम लेंगे नहीं, यहाँ से नहीं लेंगे वहीं से लेंगे, क्यों भाई आएगा ना? हाँ आएंगे तो आएंगे मम्मी। ओके चलो चलते हैं। क्या हो गया भाई, सर में दर्द है? बढ़िया सो। हाँ भाई सर में दर्द हो रहा है, अभी घर जा रहे हैं, बस का वेट कर रहे हैं भाई, बैठ के बस ही नहीं आ रही यहाँ पे, दिखाओ भाई। घूम लिया मार्केट, कैसा था एक्सपीरियंस? बड़ा बेकार था। बेकार क्या, सही तो था, मेरी तरफ से बेकार था भाई। तो अभी गाइस ज़्यादा एक घंटा हो गया मुझे घर आए हुए, और अभी मैं पी रहा हूँ दूध। वैसे तो गाइस मार्केट अच्छी थी वहाँ की, मैं ये नहीं कह रहा मार्केट बेकार थी, लेकिन मार्केट महंगी थी, अच्छी थी, अच्छी खासी, ठीक है। लेकिन यार कपड़े मुझे वहाँ के समझ नहीं आए, हमारे लायक तो कुछ स्थानीय हमारे यहीं मिल जाएगा जो भी है अच्छा खासा। हाँ भाई मैं तो यहीं से ले लूँगा अपने, मैं तो यहीं से सिलवाने डाल दूँगा, क्योंकि घर में शादी आ गई ना अब इसलिए। तो गाइस कल तो ज़्यादा व्लॉग कर नहीं पाया था, मुझे लगा यार बहुत ज़्यादा बड़ा व्लॉग हो जाएगा, इसलिए मैंने ज़्यादा व्लॉग करा नहीं था वहाँ का मार्केट का। और घर पे आया तो घर पे कुछ था नहीं, और बहुत ज़्यादा थका पड़ा था, ऊपर से सर में दर्द हो गया था मेरे, तो इस चक्कर में मैं कर नहीं पाया। अभी देखते हैं भाई 1 बजे तक जितना हो पाएगा करूँगा, बाकी उसी को एडिट कर करा के जल्दी से करके एडिट, और फिर दूसरा करना है स्टार्ट। ऐसे ना कैसे मतलब थोड़ा सा बड़ा करता ही होगा, यानी कि छोटा भी डाल दो या पता नहीं क्या हो रहा है यार, समझ नहीं आ रहा कहाँ जा रहा है। पास तो आया नहीं मेरे, तुम मिस्त्री के साथ काम नहीं करा रहा क्या, ये बताते पहले। यार ये बहुत बिगड़ गया यार, बदतमीज हो गया, बहुत बदतमीज हो गया यार, बहुत ज्यादा बदतमीज हो गया यार। मिस्त्रियों के साथ तो लगा पड़ा है, इनके घर पे नीचे किचन बन रहा है ना, तो
तो उनके साथ लगा पड़ा है भाई, ऊपर से नीचे, वो जितनी भी बार ऊपर नीचे कर रहे हैं वो ये लड्डू ना उतनी बार भाई ऊपर नीचे, कभी कुछ करा रहा है कभी कुछ करा रहा है, लेकिन भाई हमारे साथ नहीं, हमें भूल गए, आता ही नहीं अभी, हम ऊपर ही भगता है नीचे जाता है। आप वो देखो ना मम्मी, क्या नाम है, शादी पास में आ रही है। अरे वो चीज नहीं कह रहा मैं, पता है शादी पास आ रही है तो। अरे मैं सफाई की नहीं कह रहा, सफाई तो होती रहेगी जब उनका नीचे का कंप्लीट हो जाएगा। बताओ, जाने जाओ, मैं ये कह रहा हूँ जैसे देखो गली में दो, सुनो हाँ गली में दो डेथ हुई थी ठीक है, उसके चक्कर में भी थोड़ी सी परेशानी हुई, शादी की कोई बात नहीं है, लेकिन देखो एक वो होता है ना कि फुल एंजॉय से करे वो चीज रह जाएगी थोड़ी सी, चलो कोई बात नहीं वो भी, लेकिन उन दोनों का दुख है जो दो डेथ हुई गली में, और अब तीसरी जो डेथ हुई थी पिछली गली में होली पे, वो एक और दिक्कत हो रही है भाई। तो यार ये सोच लो चार चार चीजें एक साथ यार, तो क्या हुआ बताना चाहिए भाई। देखो शादियां तो ठीक है भाई होती है, लेकिन देखो शादी तो होने को हो जाएगी, लेकिन यार देखो जो लोग जा रहे हैं ना उनकी बस थोड़ी सी वो है कि यार एक भी चले जाते हैं ना भाई बहुत दुख होता है। और हमारे घर में ही शादी है भाई, हमारे घर में एक डेथ हुई है, हमारी गली में एक डेथ हुई, फिर उसके बाद पिछली गली में एक डेथ हुई, एक और एंटी है सीरियस चल रही है भाई बहुत ज़्यादा, तो उनका भी लग रहा है कि हाँ क्या कर सकते हैं यार, वो सब ऊपर वाले के हाथ में भाई। देखो इसका ड्रामा देखो, पंखे चिल्लाता रहेगा बस पागलों की तरह। तो गाइस मनीष की है शादी, जिसके लिए कुर्ता उड़ता ढूंढ रहे हैं भाई, और मनीष को एक नाम से जाना जाता है जो ये भाई भी मिल गया अनिल भाई, और ये आवाज़ गूंज रही है, अजीब सी आवाज़ आई है, आवाज़ गूंज रही है बहुत ज़्यादा, तो एक नाम से जाना जाता था इंस्टाग्राम पर भाई भाई अगर फैमिली देख रही है तो थोड़ा सा कर लेना, क्योंकि काले वाले तो सुनते रहते हो ठीक है, तो ये ज़्यादा गलत वो नहीं है बात है, वो लगा दूँ अभी पी हाँ वो लगा दूँ। तो भाई ये इसने करवाया है मनीष ने अपनी शादी से पहले, मॉडिफाई पूरा एरिया ठीक है, यहाँ पे किचन हो गया, ये किचन हो गया, ये बाथरूम हो गया, और ये कमरा हो गया, यहाँ दो कमरे थे अलग अलग उन्हें जॉइंट करवा लिया, यहाँ से आने जाने का रास्ता पूरा, उसमें लाइट लग गई इसमें लाइट नहीं लगी है, बाकी ठीक है अच्छा। अब देखो भाई कितना प्यारा लग रहा है, अंदर भी लाइट बाहर भी लाइट, जग रोशन हो गया है मनीष, जग रोशन हो गया बाहर भी ऐसा लग रहा है कि भाई ट्यूबलाइट लग रही है, एलईडी लाइट स्ट्रिप जो होती है ना वो लगा रखी है, लेकिन कुछ भी नहीं है, धूप की रोशनी आ रही है बाहर। यहाँ पे भी सेम लाइट सेम बल्ब, यहाँ पे भी सेम लाइट सेम बल्ब, सेम टू सेम। तो अभी आ गया हूँ मैं फिलहाल के लिए अपने कमरे में, और अभी खा रहा हूँ मैं खाना, दाल चावल बनाया आज, मस्त लग रहे भाई, बहुत दिनों से बना भी नहीं था ना, तो मैंने बोल दिया मम्मी से, मम्मी यार दाल चावल बना लो, बहुत अच्छे लगते हैं मुझे, तो स्पेशली दाल ज़्यादा अच्छी लगती है। तो चलो गाइस जाते जाते इस ब्लॉग को एंड करते करते गाना सुना देता हूँ आपको ठीक है, गाइज़ ओ मेरे गाइज़, हर्ष कुमार के व्लॉग्स को तुम सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब नहीं करते तो तुम शेयर कर दो, एक एक स्टेटस पे अपने लगा लो तुम, जय जय हर्ष 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 जय जय हर्ष हर्ष। पसंद आया तो लाइक करना, बाय, क्या नाम ना मिलता है अगली वीडियो में, बाय। Thank you.